आसिम यार, कोलकाता में इतने सारे ग्रंथालय हैं, तुझे एक यही मिला? मधुकर, इस ग्रंथालय में जो किताबें हैं वो किसी और ग्रंथालय में नहीं मिलते। अच्छा, चल। यार यहां तो तू अकेला आ जाता, मुझे यहां घसीट कर लाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता ना मैं किताबों से कितना दूर भागता हूं। अरे यार, कभी अपने दोस्तों के लिए भी कुछ कर लिया कर। चल। यार ये तो कोई भूतिया लाइब्रेरी लग रही है। सिर्फ सिर्फ एक आदमी, वही तो राज है इस लाइब्रेरी का। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कमाल है, सारी किताबें तो खुली हुई पड़ी हैं, इसे क्यों लॉक करके रखा गया है? सत्य पाठ, बड़ा अजीब टाइटल इस किताब का। रात हो चुकी थी, मैं गलियारे में अकेला चल रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है। अचानक मैं एक कुएं के पास पहुंच गया और जब मैंने कुएं में झांक कर देखा तो खुद को ही नीचे खड़ा पाया। तभी एक हाथ कुएं से ऊपर आया और उसने अंदर से मुझे खींच लिया। ये क्या बकवास है, कुछ भी लिखा हुआ है? किताब जो भी पढ़ेगा वो मरेगा।
जहां भी भागकर जाता वो साया सामने था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार किताब पूरी पढ़ी, अब मुझे जाने दो, मैंने किताब चुरा कर पढ़ी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, अब मैं इस लाइब्रेरी में दोबारा कभी मुड़ कर नहीं देखूंगा। मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकती, चलो। तुम्हें की बोले छिलम कि 7 बजे के बाद यहां मत रुकना, और इसके अलावा तुमने वो किताब भी पढ़ ली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब तक वो यंत्र हवा में तैर रहा है उसकी शक्ति से वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यंत्र की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, उससे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा। वो आत्मा मेरे पीछे पड़ी है, वो आत्मा किसकी है, और किताब में जो लिखा है वो सच हो रहा है, ये सब कैसे हो सकता है, प्लीज मुझे बताइए ये सब क्या है। ये वो राज है जिसका संबंध मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आत्मा मेरे भाई मृगांक की है। जन्म के जरिए को खत्म कर दो तो अस्तित्व कैसा? देखो ये हरी आंखों वाली लड़की कितनी खूबसूरत है, और इसके काले बालों में भूरे लटे भी कमाल की हैं। मारे को तो हूर परी लागो है। पर माने तो कुछ और ही सुना है ये आंखें और बालों वाली लड़कियों के बारे में।
कैसा लगा? बहुत बढ़िया ना, देखो कितनी खूबसूरत लाया है मेरा लेवर छाट के। रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपको भूख लगी है? तो आपने किसी से खाना नहीं मांगा? किसी ने दिया ही नहीं। चलो हम आपको खाना देते हैं। आओ हमारे साथ आओ। आपका नाम क्या है? आशु। आशु, नाइस नेम। हाँ अच्छा, हमें एक बात बताओ, आप हमें देखकर भाग क्यों जाते हो? ये मेरा भाई है अनु। पर तुम दोनों की शक्ल कितनी मैच करती है? क्योंकि हम जुड़वा भाई है इसलिए। अनु ये हमें खाना देंगे। जल्दी जल्दी खाना, तो बहुत भूख लगी है। भूख लगी? चलो हम अभी आप दोनों को खाना देते हैं। आइए हमारे साथ। हम अभी आप लोगों को खाने के लिए कुछ देते हैं। सोनाली, तुम इस वक्त पे यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे वो हम अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कौन? अरे वो दो बच्चे थे यहाँ पर जिन्हें हम खाना देने आए थे, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। ओहो, सुबह से भूखी तो तुम भी हो। चलो तुम भी कुछ खा पी लो। पता नहीं भाभी, हमें भूख नहीं लग रही। पता है मुझे कि तुम्हें सुबह से भूख क्यों नहीं लग रही है। होता है, होता है, शादी से पहली रात सबके साथ ऐसा होता है। पर तुम चलो कुछ खा पी लो, नहीं तो फिर रात भर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। क्या हुआ, बुरा मान गई? मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे कुछ नहीं खाती हो। चलो मेरे साथ आओ। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सारा परिवार यहाँ पर इतने सालों से रह रहा है, उन्हें आज तक कोई नहीं दिखाई दिया, और फिर तुम्हें सब कैसे दिखाई दे रहा है? देखो सोना, मेरी बात मानो, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना। उदय, ये वहम नहीं है। काका के जख्मों को देखकर आपको ये नहीं लगता कि वो कोई मामूली बात नहीं है? उदय प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। क्या हुआ सर? जी कुछ नहीं। ये निशान? हमें नहीं पता, अभी तक तो नहीं थे। हाँ वो भूत के बच्चों के होंगे, उनके नाखून बहुत बड़े हैं ना, उन बेचारों को कोई खाने के लिए नहीं देता। हमारे घर में उनका कोई नहीं ध्यान रखता है, आपको पता है। क्या आप अभी उन्हें देख सकती हो? ओके फाइन, लगता है आपको आराम की जरूरत है। हमारे साथ जो बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ तुम दोनों के साथ? मारे जन्म से शुरू हुआ था ये बुरा समय। बस लड़ो बस। नहीं।
हम दोनों एक दूसरे के कंधों से जुड़े हुए थे। हे भगवान, ये तो बड़ा अफसोस होगा, तो पूरा खानदान बर्बाद हो गयो। हमारे साथ कोई नहीं खेलता था। भैया मेरे को भी खेलना है। कोई हमसे बोलता नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। वो हमें एक बुरी किस्मत वाले कहते थे और मारी वजह से ही मारे पिता मारी माँ से बहुत झगड़ा करते थे। और उन्होंने हमारी माँ को भी पिताजी के साथ उसी चिता में जिंदा जला दिया। खाना दो माताई जी। चलो जाओ यहाँ से, मनहूस कहीं के खाना दो। समय आने पर इस परिवार के एक भी सदस्य को हम नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दो और जब तक मैं ना कहूँ ना, इन्हें खाना भी मत देना। इन्हीं की वजह से हमारे खानदान का इतना अपशगुन हो गया। मनहूस कहीं के लेके जाओ इनको यहाँ से। हे छोकरे, चलो 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 अंदर, बड़े रहो इधर, बाहर नहीं आना। मर गए, उन्होंने मारे को खाना नहीं दिया। बहुत साल बीत गए, हम कुछ नहीं कर पाए। सुनाली, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मैं उदय। सुनाली कुछ तो बोलो। सुनाली सुना, क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज कुछ तो बोलो। सुना निश्चिंत रहिए, हमारी इस पूजा के पश्चात न तो इस बिल्डिंग में कोई विघ्न बाधा रहेगी और ना ही आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बस आप जल्दी से पूजा शुरू करें। यजमान जी, हवन शुरू करने से पहले अपने शुभ हाथों से इस जमीन पे एक खड्डा खोदिए। ये निकल क्यों नहीं रहा है जमीन से? भैया एक मिनट, मैं देखता हूं। साहब हटिए, मैं ही देखता हूं।
रुक जा। यजमान जी, पूजा के इस शुभ मुहूर्त में इस प्रकार से जमीन से खून निकलना ये अच्छे संकेत नहीं है। हमें हवन छोड़ के तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अरे जीवन भाई, आप फंसे नहीं है जीवन भाई, विश्वास रखिए मुझ पे, काम चल रहा है, बहुत जल्द काम पूरा हो जाएगा, मैं कमा के दूंगा आपको जीवन भाई, आप भरोसा रखिए मुझ पे। देखो यार, सब के सब एक साथ शुरू हो गए यार। भाई आपको किसी से मुझ पाने की जरूरत नहीं है, हम सबको जवाब देंगे ना। अरे सुबह शाम जवाब देते देते थक गया हूँ यार मैं मोहन। ये बैंक वाले भी शुरू हो गए, क्या जवाब दूं इनको यार, इस बिल्डिंग को बना के ना बर्बाद हो गया हूँ यार, फंस गया हूँ यार। मोहन एक काम कर, इन्वेस्टर ढूंढो, सस्ते में निकाल देंगे, लोचानी चाहिए अपने को यार, ठीक ढूंढो यार। मैं मार्केट में बात करता हूँ, पर आप परेशान मत हो। हाँ पटेल साहब, बात कर सकता हूँ आपसे? राधे, राधे जी। सर क्या ये क्या लगा रखा है, कहाँ जा रहा आदमी वो? सर मैं उनको कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन ही बंद आ रहा है। मैं उनके घर पे भी गया था सर, लेकिन वो बोले कि 10 दिन के लिए थाना से बाहर गए। कुछ प्रॉब्लम है? दिख नहीं रहा है तुझे? बर्बाद हो गया हूँ मैं। सर जी उसको ढूंढ के ला, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर जी कल ही मैं उनके घर पे जाता हूँ। और सर जी प्लीज मेरा नाइट शिफ्ट चेंज कर दीजिए ना सर, क्योंकि यहाँ पे नाइट में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, और सर ये बिल्डिंग से बहुत आवाज भी आती है सर। चल जा। मोहन तुम भाभी के साथ गाड़ी में रुको ना, मैं धनजी भाई को जरा बिल्डिंग दिखा के आता हूँ। सुनील तुम अकेले मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं अकेले कहाँ हूँ, वो इन्वेस्टर है ना मेरे साथ। हाँ लेकिन तुम्हारे इस डर की वजह से तो तुम्हें अपने साथ लेके आया हूँ ना, यहाँ मुझे अपना काम करने दो प्लीज। हाँ मोहन जी भैया। धनजी भाई जी, ये है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। फाइन, लोकेशन आपने देख ली है? जी जी। मोहन ने आपको बाकी सब बातों के बारे में बता दिया ना? हाँ हाँ, पर मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मानता हूँ। अब चले। आई आइए धनजी भाई, ये है आपकी बिल्डिंग। धनजी भाई मैंने बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया बिल्डिंग में, अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं रखी, आप देखिए ना। क्या सुनील भाव, कौन सा हमें और आपको रहना है, सस्ता मटेरियल यूज करना चाहिए था। अरे बिल्डिंग 10 साल भी खड़ी रहे ना, अपने लिए काफी है। अरे धनजी भाई, धनजी भाई। अरे बच्चे, तो ये है तुम्हारा अच्छा मटेरियल? अच्छा लो, मास्टर प्लान का है, मुझे दिखाओ। मास्टर प्लान धनजी भाई मैं गाड़ी में भूला, आप रुकिए मैं लेके आता हूँ। ताजा खून?
तुम्हारे जीवन में बहुत संकट चल रहा है। तुम चाहकर भी वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो तुम चाह रहे हो। बनते बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे। बाबा आप तो सब जानते हैं। बाबा मेरा कुछ कर दो। बाबा कुछ नहीं, बहुत कुछ। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग बनने में बहुत विघ्न आ रही है। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं। बाबा मुझे तो लगा था कि राधे आपके बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं, पर बाबा आज देख भी लिया मैंने। चमत्कार को नमस्कार। हम दिखाते नहीं करते भी हैं। लाओ अपना हाथ आगे लाओ। ओम प्रेम ब्रह्म ब्रह्म शेष नहीं नमो जय काली कपाली। हाथ आगे करो। देखा अंदर से नींबू लाल है। इसका मतलब है कि जरूर तुम पर किसने जादू टोना किया है। मैं भी कहूं कि तुम्हारे बनते काम बिगड़ क्यों रहे हैं। तुम्हारी बिल्डिंग बनने से क्यों रुक रही है। खैर इसकी काट तो हो जाएगी लेकिन तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। आप बोलिए बाबा। मैं सब करने को तैयार हूं। मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति चाहिए बाबा। बस मसान तुम्हें बलि देनी होगी। हाँ ठीक है, इसकी बलि देनी है। इंसान के बच्चे की बलि। अब इंसान के बच्चे की बलि ही तुम्हें बचा सकता है। आज से 5 दिनों के बाद ग्रह नक्षत्रों का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। उस शुभ मुहूर्त में तुम्हें बच्चे की बलि देनी होगी। रमेश भाई मुझे माफ कर देना। रमेश भाई मैं ही तुम्हारी बेटी का कातिल हूं। मैंने मरवाया है उससे, बलि दी है उसकी। माफ कर रमेश भाई। रमेश भाई सारे घर में देख लिया, भैया कहीं नहीं है, पर बाहर उनकी गाड़ी भी नहीं। वो पक्का बिल्डिंग में गए होंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।